हाजी अब्दुल हबीब अतारी बैनुल अक्वामी इस्लामी तंजीम दावत इस्लामी के मुबल्लिग होने के साथ साथ मदनी टीवी चैनल के सरबरा भी हैं और तंजीम के दीगर अहम शोबाजात के मामलात भी देखते हैं। इनके शबरोज कैसे गुजरते हैं, आइए देखते हैं। दुनिया वालों के लाइक के चक्कर में ऐसा काम मत करना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। सारी दुनिया पसंद करे और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हम पसंदीदा नहीं तो कोई फायदा नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान सोहेब बंशा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक बुलंद तरीन इमारत पर, ऐसी इमारत पर जहाँ से खूबसूरत कराची का मुकम्मल व्यू 360 में नज़र आता है। और ख़ास बात यह है इस छत की कि ये छत कोई आम नहीं, बहुत खास है, क्योंकि इस छत के तले और छत के ऊपर रहते हैं मारूफ आलमदीन हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब। आइए उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं और उनसे मीठी मीठी गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अहलन व सहलन, मरहबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया से। रमजान मुबारक कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत मुबारक, तशरीफ लाइए, आइए बैठिए। आज का पूरा दिन आपके साथ है। हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब बिजनेसमैन भी हैं, आलमी दीन भी हैं, होस्ट भी हैं, सनाहां भी हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूल गया हूँ कहने में, क्या क्या हैं और सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? सच्ची बात यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जो है ये अल्लाह करीम की रहमत है और अल्लाह करे कि जो कुछ छोटी बहुत खिदमत है वो अल्लाह कबूल फरमा ले। मैनेज करने की जहाँ तक बात है कि जब अल्लाह के कामों में कोई लग जाता है तो अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस अब तो मैं ना होने के बराबर देखता हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए वो देखते हैं, मेरे भाई देखते हैं, बाकी मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि दावत इस्लामी के साथ। किस चीज़ का बिज़नेस था आपका सर? बिज़नेस अब भी है हमारा, हमारा बिज़नेस जो स्टार्ट बिज़नेस था जो मेरे वालिद साहब के साथ मैं किया करता था वो अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करते हैं दुनिया के कई मुल्कों से और फिर उसकी हमारी सप्लाई है यहाँ पाकिस्तान में। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी भी अब खोल ली है, कुछ मोबाइल का भी बिज़नेस है, तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दावत इस्लामी में कब आए थे आप और कैसे? एक्चुअली ये अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही दावत इस्लामी के माहौल में आ गया। और उसकी बड़ी वजह मेरे वालिद गिरामी थे कि वालिद साहब अमीर अहले सुन्नत जो कि दावत इस्लामी के फाउंडर हैं उनके साथ बिल्कुल स्टार्ट में ही दोस्त बन गए थे। दावत इस्लामी बनने से पहले ही अमीर अहले सुन्नत के दोस्तों में मेरे वालिद साहब शामिल हो गए और जैसे ही दावत इस्लामी बनी तो 81 में दावत इस्लामी बनी है और 1974 में मेरी पैदाइश है, तो मैं 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा था, तो अब वो साथ ले जाया करते थे। और यूँ कहा जा सकता है कि मैंने आंखें जो खोली है, जो मैंने होश संभाला है, वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल। अच्छा, जो बानियाने दावत इस्लामी है उनमें आपके वालिद साहब का भी शुमार होता है? अब दावत इस्लामी के अव्वलीन यूँ समझ सकते हैं आप, साथियों में शुमार होता है। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके औलाद? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सही जी। तो आज की रूटीन हमारी क्या रहेगी, कहाँ कहाँ हम जाएँगे? मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना हम एक रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से और अब इसको इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं, वो तर्जमा और तफसीर कुरान है, तो उसकी इंशाल्लाह हम फैज़ान मदीना चलेंगे, अभी वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी और उसके बाद आपको इंशाल्लाह मदनी चैनल और फैज़ान मदीना भी दिखाते हैं। आपको एक गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट आपके व्यूअर्स के लिए भी है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे तबरुकात हैं और मैं चाहता हूँ उन तबरुकात की ज़्यारत आप भी करें और हमारे व्यूअर्स भी करें। ज़रूर ज़रूर, ये तो हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब। यहाँ से शुरू करते हैं। ये वो गिलाफ है जो रोज़ा रसूल के अंदर सुनहरी जालियों के जो अंदर गिलाफ होता है, ये उसका पीस है मदीना मुनव्वरा का। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ये किसी ने गिफ्ट दिया है या? जी ये मुझे, मैं अरब शरीफ में जब मैं गया था मुझे वहाँ से ये गिफ्ट मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मुझे मक्का पाक से ही गिफ्ट मिला है। ये गिलाफ काबा है और ये गिलाफ काबा में जो गोल्ड का काम किया हुआ है ये वो वाला माशाल्लाह पीस है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉक्स जो है इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ मुबारक, नबी ये पाक के मुबारक जो ज़ुल्फ मुबारक है उसका हिस्सा इसमें मौजूद है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
ये व्यूवर्स मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और ये मेरे लिए एजाज़ की बात। ये पूरी नबी पाक अलैहिस्सलाम और इसमें कई बाल है एक के साथ पूरी लड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी आप वहीं से लेकर नहीं, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यूके से जब मैं गया था तो वहाँ एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट वहाँ दिया था। ये रोज़ा रसूल के अंदर की खाक मुबारक है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी कब्र में ले जाने के लिए रखी है लेकिन मैं अब आपको तोहफ़ा देता हूँ। तो अब ये मैंने अपने घर वालों को वसीयत की भी है कि जब मेरा इंतकाल हो तो ये मेरी कब्र में मेरे कफन पर मेरे जिस्म पर लगा दी जाए। ये रोज़ा रसूल के अंदर की खाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो सफाई करने का टूल कह लें या वो कह लें जिससे सुनहरी जालियों को और रियाजुल जन्ना के अंदर जिससे सफाई की गई है, ये उसके अंदर का ये समझ लें सफाई का टूल है। और ये भी वहाँ के जो खादिमीन हैं उन्होंने मुझे तोहफा माशाल्लाह। ये मेरे पास एक मुए मुबारक शरीफ था और अब आप देख सकते हैं कि बढ़ते बढ़ते कितने हो गए। ये भी नबी पाक के मुए मुबारक हैं, ये दिखाइएगा। अच्छा, ये इसके अंदर लाइट लाइट लगी हुई है ताकि और आसानी से आप इसको देख सकें, ठीक है ना जी जी। और इसी तरह ये एक और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये भी एक था और ये भी कितने हो गए। यानी प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आपके मुए मुबारक से शाखें निकलती हैं जी जी। सुभानअल्लाह, ये नबी पाक की हयात का हयातुन नबी का एक शानदार यूँ समझिए कि हमारे सामने मज़ार। और ये दुनिया में जहाँ भी मुए मुबारक मौजूद है आप देखेंगे कि मुए मुबारक में जो है वो इजाफा ही होता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कई मुए मुबारक हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गुंबद खजरा पर अगर आप कभी गौर से गुंबद खजरा को जूम करें ना तो उस पर आपको एक सीढ़ी लगी हुई नज़र आती है जी जी जी। छोटी सी एक सीढ़ी है, ये उसी सीढ़ी का पीस है और ये ग्रीन कलर वही है जो गुंबद खजरा पर कलर है माशाल्लाह। एग्जैक्टली उस जगह का ये लकड़ी का पीस है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गिफ्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। चाहें तो उसको किस कर सकते हैं, चूम सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आज का आखिरी आपको तबरुक दिखा देता हूँ, हैं तो काफ़ी सारे। और वो तबरुक ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक अमामे शरीफ का जी जी ये पीस है। हो हो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन तबरुकात के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और आज हमारा जो दिन है अल्लाह इसमें हमें कामयाबी दे और हमें इस्तकामत दे और आपका भी आना अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ कर लेते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए भी दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरे मौला इन मुबारक तबरुकात के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा और रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। सर माशाल्लाह आपका तो ये छत जो है वो एक लिहाज से बहुत खास है कि यहाँ पर 360 में व्यू हमें नज़र आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने घर लिया था तो हम भी जब इस जगह को देखने आए थे तो बहुत खुशी हुई थी कि कराची के अंदर ऐसा व्यू मैं नहीं समझता कि कहीं इतना अच्छा व्यू नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इसका दीनी इस्तेमाल भी किया। आप ये देख रहे होंगे ये मैंने जो ये क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो हमने यहाँ ख़ुद मदनी चैनल के लिए बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स किए और हम करते रहते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि स्टूडियो प्रोग्राम के बाद जब आप आउटडोर शूट करते हैं और इतना अच्छा व्यू बैकग्राउंड पे हो तो व्यूवर्स के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। और फिर हमारी फैमिली के लिए भी बड़ा पर्दा वगैरह आसान है क्योंकि यहाँ आकर अगर कोई बैठता है तो बेपर्दगी भी नहीं होती है। आउटडोर स्टूडियो के साथ साथ हमने एक इनडोर भी अंदर स्टूडियो बना दिया है जिसमें साउंड प्रूफिंग हमने करवाई है ताकि यहाँ से हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान और तर्जुमा कुरान की जो मेरी रिकॉर्डिंग है जब घर पर टाइम मिलता है तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आइए हम चलते हैं फैज़ान मदीना। जी जी सर। सर इसी इलाके में ही रहने की क्या वजूहत हैं कि आप यहाँ पर रह रहे हैं ये जुर्मी के पास? हाँ, मेरा जो चाइल्डहुड था वो क्लिफ्टन में गुजरा और मेरी ये समझे कि मैं वहीं बड़ा हुआ। और लेकिन फिर चूँकि दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ीं, मदनी चैनल शुरू हो गया, मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, मेरे मशवरे भी होते हैं, तो मुझे ऑल द वे क्लिफ्टन से दो बार फैज़ान मदीना आना पड़ता था। और आपको कराची के ट्रैफिक का पता है, तो फिर मैंने अपने वालदैन से उस ज़माने में इजाज़त ली कि मुझे फैज़ान मदीना के करीब रहने दिया जाए क्योंकि मुझे बहुत ट्रैफिक बेयर करना पड़ता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और इसका फ़ायदा ये कि मेरे घर और फैज़ान मदीना में कोई सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। हाँ। और विद इन 5 to 7 मिनट्स में फैज़ान मदीना पहुँच जाता हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत आसान। इस वक्त फैज़ान मदीना की हदूद में दाखिल हुए हैं और एक अब आप अंदर जाकर एक बड़ा रूहानी मंजर आप देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज मस्जिद इन पाकिस्तान, ऑल्सो द वेल सिक्योर्ड मस्जिद। जितना अच्छा सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पर है क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं और आपको हालात कराची के पता भी हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया, पिछले 2-3 सालों में तो बड़ी बेहतरी हो गई, वरना एक ज़माना ऐसा भी था कि मस्जिदों में भी लोग महफूज नहीं थे। तो हमने पूरे फैज़ान मदीना को अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वाइज भी बड़ा मैनेज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
फैज़ान मदीना में मरहबा कहते हैं आपको। फैज़ान मदीना का जो पीछे वाला दरवाज़ा है वहाँ से हम आए फ्रंट डोर पर, तो माशाल्लाह बहुत रश होता है। आइए अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है। जिस तरह एयरपोर्ट्स पे आप देखते हैं बैग चेक होता है, तो यहाँ भी हम चेकिंग का निज़ाम होता है, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, आने वालों की चेकिंग होती है, हमारे मेहमान आने वाले जो भी बाहर से आए वो भी अपने आप को सिक्योर फील करे और सुकून से यहाँ इबादत कर सके। तो माशाल्लाह हमारे पास बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं, फिर इसके बाद हुकूमती अहदेदारान आते हैं, एवरीबडी फील सिक्योर। ये मदनी चैनल की हम इमारत में दाखिल हो रहे हैं, फैज़ान मदीना, एक बहुत मैसिव मस्जिद और वहाँ पर मदरसे के साथ साथ एक पूरे फ्लोर्स जो हैं मदनी चैनल के हैं। तो आइए अब आपको मदनी चैनल में लिए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। हम इस वक्त मदनी चैनल के फ्लोर पर आ चुके हैं और अल्लाह की रहमत से कोशिश तो यही होती है कि बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये काम हो, और चूँकि रमज़ान मदनी चैनल का सबसे बिजी महीना होता है, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में सबसे लॉन्ग ट्रांसमिशन, ऑलमोस्ट 20-22 घंटे हम लाइव जा रहे होते हैं, तो ये मदनी चैनल की ट्रांसमिशन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मदनी चैनल का जो है वो स्टोर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। इस वक्त हम मदनी चैनल के मास्टर कंट्रोल रूम में हैं और ये इंग्लिश मदनी चैनल जो हमारा है, आप देखेंगे कि इस पे GMT टाइम 11:31 यानी UK का टाइम इस वक्त चल रहा है, और इस वक्त ये लाइव प्रोग्राम अब कराची स्टूडियो से वहाँ जा रहा है, और उसके बाद माशाल्लाह हम चलते हैं आपको लेके हमारे यूँ समझे कि UK से बांग्लादेश ले जा रहे हैं बगैर टिकट के। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस वक्त यानी आप ये प्रोग्राम भी बंगला जबान में है, ये बच्चे भी बांग्लादेश में हैं, ढाका में हमारे स्टूडियोज़ हैं, चिटागोंग में हमारे स्टूडियोज़ हैं, ये हमारा उर्दू मदनी चैनल है, बेसिक मदनी चैनल है, और पाकिस्तान के टाइमिंग्स, पाकिस्तान की ब्रांडिंग्स, कॉल्स आ रही होती हैं, उलमा जवाब दे रहे होते हैं, वो आजकल रोज़ों के मसाइल और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं। अब हम मदनी चैनल के जो मेन स्टूडियो है जिसको हमने मदीना स्टूडियो का नाम दिया है, इस वक्त हालांकि वहाँ लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, जब लाइव हो रही होती है तो आपको पता है कि स्टूडियो में इजाज़त नहीं होती, मगर हमारे चूँकि मेहमान हैं और हम आपके व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं, तो ज़रा खामोशी से जाएंगे और जाकर हम दिखाते हैं कि किस तरह लाइव ट्रांसमिशन हो रही है। तो हमारी लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, ये हमारा बड़ा जो है वो स्टूडियो है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 4 स्टूडियोज़ हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा स्टूडियो है, इसमें हमारे मदनी चैनल के जो मेगा इवेंट्स हैं वो यहाँ से कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम वहाँ लाइव हो रहा है, दूसरे प्रोग्राम की तैयारी हो रही है जो फिर शाम को यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट में हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी दुनिया में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के 47 फेसबुक, पता है आपने? जी 47 फेसबुक पेजेस हैं, 28 यूट्यूब चैनल्स हैं, 50 के करीब सोशल मीडिया के वो लोग हैं जो ये सारा काम, जो एडिटिंग कह लें, डेवलपिंग कह लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह लें, और इन तमाम चैनल्स को चला रहे हैं। और सर हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5 करोड़ ऑल टुगेदर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मिला के हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे लाइक्स हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं। कार्टून्स पर जो हमने काम किए, वन ऑफ द यूनिक काम है कि कार्टून्स के जरिए बच्चों को दीन सिखाया जाए, उन्हें सुन्नतें सिखाई जाएँ। यहाँ आइए जरा, हमारे यहाँ पर व्यूज़ को हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। दावत इस्लामी की नातें होती हैं, अब यहाँ पर आएँ जी। ये दावत इस्लामी का जो फेसबुक पेज है जी, 193 मिलियन यानी ये 19 करोड़ लोगों ने देख लिया है। 19 करोड़ लोगों ने हमारा ये क्लिप जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा है, ये वाला क्लिप है जी, ये वाला क्लिप है, और ये मार्च 6, 2020 को अपलोड हुआ है। YouTube पे 3 अरबिक मदनी अरबिक हमारे चैनल्स हैं, और इसी तरह हमारी अपनी अरबिक वेबसाइट भी है। Facebook पे दावत इस्लामी अरबिया मौजूद है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इस पे बाकायदा नई नई पोस्ट लग रही होती हैं, नई अरबिक वीडियोस लग रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक में भी मैंने भी कुछ प्रोग्राम दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं अरबिक में वो तुर्की में हमारी पूरी सीरियन जिम्मेदारान हैं जो अरबिक हैं, अरबी नस्ल है जो बयान करते हैं, क्योंकि अरबिक लोग जो है वो अरबिक लोगों से ही सुनना पसंद करते हैं, ताकि उनकी फसाहत, उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आतिफ भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा साउंड स्टूडियो है, आप समझते हैं कि किसी भी चैनल के लिए उसके पीछे जो बैकग्राउंड, लोग तो बैकग्राउंड म्यूज़िक कहते हैं, हमारे बैकग्राउंड कलाम होते हैं, टाइटल कलाम होते हैं, प्रोग्राम के शुरू में जो हमने चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, फिर यहाँ तिलावत कुरान, तफसीर कुरान, तर्जमा कुरान भी होता है, तो जितनी भी नातें हैं वो ये रिकॉर्ड होती हैं, फिर उसके बाद उसको फिल्माया जाता है, उसकी वीडियो शूट होती है। हमारे आतिफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग, यही ऑडियो रिकॉर्डिंग यहीं पर होती है। और ज़मीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। इस आयत में अल्लाह ताला ने कयामत के दिन के 5 अहवाल बयान फरमाए हैं, उनका खुलासा समाप्त कीजिए। अच्छा सर, दावत इस्लामी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और आप किस किस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं? दावत इस्लामी के ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि
100 के करीब करीब डिपार्टमेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दावत इस्लामी के तकरीबन 17 से 18 डिपार्टमेंट्स को देखने की सआदत मिल रही है। और उनमें जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उसमें मदनी चैनल को मैं हेड करता हूँ, उसके बाद हमारी पूरी जो HR है दावत इस्लामी के 40,000 एम्प्लॉज़ हैं तो उसको मैं देख रहा होता हूँ। अल्लाह की रहमत से जो FGRF है, जितना वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी सआदत मुझे मिली है। और दावत इस्लामी का पाकिस्तान के बाहर ओवरसीज़ में जितना भी काम है वो सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी वजह से मुझे ट्रैवल भी काफ़ी करना पड़ता है। हाँ माशाल्लाह, हम देखते हैं कि अब ज़्यादातर बाहर होते हैं, पाकिस्तान कम होते हैं। बस 2 साल रहा हूँ, कोविड की वजह से नहीं जा सके, अब ट्रैवल फिर शुरू हो गया। खैरियत से? हम ठीक है। माशाल्लाह, कहाँ से आए आप लोग? मियांवाली से। ये मियांवाली से आए इत्तेकाफ करने, और कहाँ से? नारोवाल से आए इत्तेकाफ करने। इस वक्त हम FGRF दावत इस्लामी के ऑफिस में, जो हमारा डिपार्टमेंट है वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके हेड ऑफिस आए हैं। आइए आपको उसको विज़िट करवाते हैं। हमारे दावत इस्लामी में 40,000 एम्प्लॉज़ ज़रूर हैं, मगर मिलियंस एंड मिलियंस वॉलंटियर्स हैं जो इखलास के साथ फ़कत इसलिए दावत इस्लामी का साथ देते हैं कि हमारी भी कुछ आखिरत बन जाए। अब ये सारे कारोबारी लोग हैं, अपना कारोबार छोड़कर आज FGRF के ऑफिस आए हैं हमारे साथ। दिन और रात में जब हम बुलाएं वो आते हैं हमारे साथ, हमारे पैनल पे मौजूद हैं, चाहे फंडिंग इन्होंने देनी हो, चाहे अपनी एक्सपर्टीज़ देनी हो, दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम। सर, इतने ज़्यादा बयान आप करते हैं तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं? हाँ, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। असल में पहले तो हमें बहुत सारी किताबें कैरी करनी पड़ती थी, बहुत सारी किताबें साथ लेके जाना पड़ता था ट्रैवल पर भी। अब ये जब से आईपैड आ गया है बड़ी आसानी हो गई है, तो मेरी पूरी लाइब्रेरी इसके अंदर है, समझ लें मेरी तकरीबन 1,000 किताबें इसमें मौजूद हैं। तो अब चूँकि बयानात काफ़ी कर लिए हैं, तो अब बयान करने जाना है एक जगह पर इफ्तार इज्तिमा में, तो मैं इसी दौरान गाड़ी में बैठ के कुछ देर देख लेता हूँ कि अब आज क्या बयान करना है। तो आज नीयत यह है कि मौका मिला बयान करने का, तो हम प्यारे आका अली सलातुस्सलाम की कुछ ऐसी हदीसें हैं जिसमें नबी पाक ने ये फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है, बेस्ट अमंगस्ट यू। आजकल यही तो फिर कम वो चल रही है कि कौन बेहतरीन है, बेस्ट कौन है, कौन आगे है। भाई आगे तो वही होगा, बेस्ट वही होगा जिसको नबी पाक फरमाएंगे। तो आज उनमें से कुछ हदीसें बयान करने का इरादा है इंशाल्लाह। अभी हम अफ्तार पर जा रहे हैं जी, और वहाँ अफ्तार भी करेंगे और सर का बयान भी है, वो भी आपको सुनवाएंगे। अच्छा सर, आपने एजुकेशन जी कहाँ से हासिल की और क्या क्या आपकी तालीम? मैं कराची में बड़ा मशहूर स्कूल है हबीब पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ से मैट्रिक किया है, फिर मैंने SM साइंस कॉलेज से फिर इंटरमीडिएट किया, और उसी दौरान जो है वो फिर मैंने दरस निज़ामी शुरू कर दिया, तो जो कि इक्विवेलेंट होता है MA इन इस्लामियात के, तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अमजदिया से दरस निज़ामी किया। तो बस यही छोटी मोटी तालीम है हमारी। अच्छा, बहुत कम ऐसे हमारे उलमा इकराम हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है यूजुअली, चूँकि हम तो मसालक में और फ़िरकों में बटे हुए हैं। कभी सोचा था कि अल्लाह ताला इस कदर इज़्ज़त देगा, मर्तबा देगा? देखिए, मैं यहाँ तो एक शेर सुना देता हूँ आपको जी। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरी तो कोई औकात नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि दावत इस्लामी के माहौल का करम है जो मुझे बोलना सिखाया, और आज अगर कुछ बोलना आता है और लोग पसंद करते हैं तो ये सिर्फ़ अल्लाह की अता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की यूँ समझिए कि ख़ास नज़र है। अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले। यहाँ एक बात नाज़रीन से के लिए भी है, आपके लिए भी, आप भी बड़े फेमस हैं, आपके भी बड़े लोग फॉलोअर्स हैं। शोहरत जो है ना, ये अच्छी भी है और शोहरत की आफात भी है। इससे बंदे में प्राउड आ सकता है, तकब्बुर आ सकता है, रियाकारी आ सकती है। मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अपनी बारगाह का मकबूल बना ले। सारी दुनिया पसंद करे और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हम पसंदीदा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं पसंद करें, और सारी दुनिया में कोई ना पूछे और अल्लाह रसूल पसंद कर लेना तो बेड़ा पार है। तो ये उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी मेरा पैगाम है जो लाइक्स के चक्कर में ऐसे उल्टे सीधे आजकल लोग काम कर रहे हैं कि भाई फॉलोअर बन जाए, लाइक्स बन जाए, ये नहीं देखते कि ये गुनाहे जारिया का काम है। एक जुमला मैं कहा करता हूँ, आपके चैनल पे भी रिपीट कर देता हूँ, दुनिया वालों के लाइक के चक्कर में ऐसा काम मत करना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। हाँ, काम वो करना कि रसूल पाक और अल्लाह प्यारा हमारा मालिक जो हमें लाइक कर दे, उसकी बारगाह के पसंदीदा हो गए ना, बेड़ा पार है। तो बस इसके लिए मैं भी दुआ करता रहूँगा, आप भी दुआ कीजिए। और उनके ज़ेर इंतज़ाम मदनी चैनल जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी बेहतरीन तरीके से खिदमत पेश कर रहा है। समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अच्छा सर, आप हमें वहाँ से यहाँ ले आए हैं खाने के लिए?
वहाँ आपके सामने देखा आपने बहुत रश था और उस क्राउड में बैठ के खाना ज़रा मुश्किल था। तो ये हमारे किसी फैमिली मेम्बर का ही रेस्टोरेंट है जी। तो मैं मेरा ख्याल 2.5 साल हो गया इसको खुले में, तो आज तक आया नहीं था। मैंने सोचा कि चले आपके साथ यहाँ, उनकी भी दिल जोई हो जाएगी और हम सब मिल के खाना भी खा लें। शौक से आप क्या खाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हलाल खाने खाता हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखूँ जी। जब ट्रैवल ज़्यादा होता है ना जी, तो फिर आप किसी एक चीज़ में अगर वो रह जाएंगे ना, सेलेक्टेड रह जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। जो साफ़ सुथरा हलाल खाना, कोशिश करना चाहिए कि हेल्दी खाएं जी, तो कोशिश करता हूँ। बाकी कराची की बिरयानी, हलीम, ज़ाहिर है ये सारे फेवरेट हैं। बस एक बात ख्याल करना है कि समझ के और देख देख के खाना है। एक जुमला मैंने सीखा है कि दस्तरखान पर ही सेहत बनती है और दस्तरखान पर ही सेहत बिगड़ती है। आप चाहे तो दस्तरखान पर बना लें, आप चाहे तो बिगाड़ लें। हाँ माशाल्लाह। जंक फूड खाते हैं? मैं नहीं खाता, कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं। मैं ग्रिल कोशिश करता हूँ ज़्यादा खाऊं। अच्छा, खाना हाथ से ही खाते हैं जी? कोशिश करता हूँ, सुन्नत है मेरे आका की। माशाल्लाह। हमने देखा सर आपका तो बहुत टफ शेड्यूल है। बस 3 बजे से हम निकले, हम तो थक गए हैं, लेकिन आप नहीं अभी तक थके। अगर आपका कारोबार हो रहा हो तो कारोबारी आदमी कहते हैं ना, सीज़न है, सीज़न में वो नहीं थकता, उसकी नींद भी उड़ जाती है। तो दावत इस्लामी वालों का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सारी सीज़न होता है, रमज़ान में ज़्यादा सीज़न होता है। अच्छा, तो नेकियां कमा रहे हैं आप तो फिर थकड़ नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत आ जाती है अल्लाह की रहमत से। सर ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी जो अभी तक रह गई हो, मुमकिन नहीं हो सकी? एक ख्वाहिश तो बैतुल मुक़द्दस की हाज़िरी की है जी। इस्लाम का क़िबला अव्वल है, बड़ी तमन्ना है कि कभी ज़िंदगी में वहाँ जाकर 2 रकअत नफल पढ़ना नसीब हो। और सच्ची बात है कि एक ख्वाहिश यह है कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊँ, हकीकी मानों में नेक आदमी बन जाऊँ। दुनिया अच्छा समझे, जैसा मैंने गाड़ी में भी कहा था, वो कमाल नहीं है। कमाल यह है कि रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। अब दुआ करें अल्लाह मुझे अपने मकबूल बंदों में शामिल कर ले। और ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी तमन्ना अगर आप पूछें तो वो ये है कि जब भी आखिरी वक्त हो, कलमे वाली, ईमान वाली, एकाश मदीने वाली मौत नसीब हो और जन्नतुलमकी में मदफन नसीब हो। ये मेरी कहते हैं डाई हार्ट तमन्ना है। अल्लाह करे अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह, कोई ऐसा वाकया सर जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो, दावत इस्लामी में होते हुए या उससे पहले? वैसे तो दावत इस्लामी के इस माहौल में आना यही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं भी कुछ अर्सा बड़ी मॉडर्न लाइफ मैंने गुजारी। जैसे मैं चाइल्डहुड में था, लेकिन मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था और हमारे इलाके में, मैं क्लिफ्टन के इलाके में था, तो थोड़ा सा इलाका भी मॉडर्न है, दोस्त भी ऐसे मिल गए थे, तो काफ़ी मॉडर्न लाइफ की तरफ चला गया था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर इस माहौल की तरफ आना हुआ और एहसास हुआ कि यही आखिरत का रास्ता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ा साहब अमीर अहले सुन्नत के बयानात सुनना, उनके करीब जाना, वो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। और तंजीमी ज़िम्मेदारियों में ज़्यादा आगे आने वाला जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि एक बार ज़िंदगी में कारोबार के अंदर एक बहुत बड़ा मुझे नुकसान हुआ था। 2007-08 की बात है, जब बड़ी रिसेशन हुई थी, आपको पता है मार्केट में बड़ी क्लैश हुई थी मार्केट, तो उसमें मेरा, मैं उससे पहले बहुत कारोबार में टाइम देता था, बल्कि कारोबार को लीड ही मैं करता था। लेकिन जब वो लॉस हुआ और फिर एहसास हुआ कि यार दुनिया तो यूँ सारी चीज़ें ले जाती है, फिर इस दुनिया के पीछे भागने की क्या जरूरत है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल द वे कोशिश की कि अब इस तरफ ज़्यादा आ गया। और मैंने देखा कि मैंने कारोबार को टाइम देना कम शुरू किया, अल्लाह ने उसमें भी बरकतें नहीं डाली। जब आप अल्लाह की राह में निकलते हैं ना, तो अल्लाह पीछे आपके कामों में बड़ी बरकत डालते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे मारूफ अल-मदीन अल-हाज अब्दुल हबीब अतारी साहब। आपने मुकम्मल लाइफ स्टाइलिंग का देखा। अपने मेज़बान से मंशा को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।